हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो, जिसमें मैं मेघा और मैं सौरभ लेके जाते हैं आपको बहुत सारे प्लेसेस। और आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं मेघा? हम जाने वाले हैं ऑल द वे टू बेल्जियम। वैसे हाँ, बेल्जियम इतना दूर नहीं है और ये हमारी फर्स्ट रोड ट्रिप होने वाली है विद आवर टेस्ला। हम लोग इससे पहले टेस्ला को ऑलमोस्ट हमारे 1.5 ईयर हो चुके हैं, मगर हम लोग उसको लेके अभी तक रेलवे से बाहर नहीं जा पाए थे, बट आज हम लोग जा रहे हैं फाइनली, सो आई एम एक्साइटेड। और हम जाएंगे बेल्जियम की सिटी एंटवर्प में, एंड एंटवर्प इज फेमस फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। और वो किसके लिए फेमस है वो देखना होगा, तो आपको ये पूरा वीडियो देखते रहना होगा। वैसे हम लोगों ने पूछा था यूट्यूब पे कि हम गिथौन जाएं या शॉपिंग व्लॉग बनाएं, तो गिथौन हम जाना चाहते हैं, बट ये देखिए आप पीछे जो ट्रीज है उस पर अभी लीव्स नहीं आए हैं। स्प्रिंग ऑलमोस्ट आने वाला है, आई थिंक 2-3 वीक्स में ये पूरे सारे पेड़ पे नए नए फ्रेश लीव्स आ जाएंगे और तो तब गिथौन बहुत अच्छा लगेगा। तो हम सोच रहे हैं 2-3 वीक्स बाद गिथौन जाएं। वैसे हम गिथौन बहुत बार जा चुके हैं बट हमें बहुत सुंदर लगता है, तो हम फिर से जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे गिथौन स्प्रिंग में कैसा दिखता है, बट उसके लिए कुछ वीक्स इंतज़ार करना होगा। बट आज आपको ले चलते हैं एंटवर्प सिटी बेल्जियम में, सो लेट्स गो। सो वी आर रेडी विद आवर टेस्ला। और टेस्ला में अभी बैटरी कितनी है और क्या हम एंटवर्प बेल्जियम तक पहुंच पाएंगे? सो अभी यहाँ पे 89% दिखा रहा है, अगर यहाँ क्लिक करें तो बता देता है वो 433 किलोमीटर्स जा सकते हैं इससे। और हमें जाना कहाँ है? यहाँ पर। सो ये हम लोग पार्किंग जहाँ पे हम लोग पार्क करेंगे अपनी कार। सो वील रीच इन 1 hour 46 minutes और 147 किलोमीटर्स है दूर, तो पहुँच जाएंगे हम आराम से। सो नाउ लेट्स गो टू एंटवर्प। आ गए हम लोग एंटवर्प, और एंटवर्प में फर्स्ट स्टॉप हमारा क्या है? वो है एक ट्रेन स्टेशन। तो हम लोग आखिर ट्रेन स्टेशन देखने क्यों आए हैं? क्योंकि ये ट्रेन स्टेशन है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेशन। आपको पहले बाहर से दिखाते हैं और फिर अंदर से भी दिखाते हैं। मेरे पीछे जो बिल्डिंग है वही है यहाँ का ट्रेन स्टेशन, जिसे सेंट्रल स्टेशन भी बोलते हैं। और देख रहे हैं आप कितनी सुंदर बिल्डिंग है, ऊपर घड़ी भी लगी हुई है और टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2:00। और उसके सामने क्या है? उसके सामने है ये एक होटल है रेडिसन, और आसपास है दो फाउंटेन्स जो कि अभी चल नहीं रहे हैं। एक और बहुत ही अच्छा सा स्टैच्यू दिखा है, अगर ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर है एक कैमल और उसके ऊपर बैठा हुआ है कोई एक इंसान। सो दिस इज़ द सेंट्रल स्टेशन। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई तो रॉयल सी बिल्डिंग है, कोई रॉयल पैलेस है, बट ये है एक ट्रेन स्टेशन। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर से भी क्या इतना ही सुंदर है। लेट्स गो इन। स्टेशन पर 4 levels हैं, मतलब 4 floors हैं, और यहाँ पर हर टाइप की ट्रेन आती है। हाई स्पीड ट्रेन आती है, इंटरसिटी ट्रेन आती है, लोकल मेट्रो आती है। वैसे यहाँ पता है प्लेटफॉर्म कितने हैं? 21 प्लेटफॉर्म्स हैं। इट्स अ ह्यूज स्टेशन। आ गए हम लोग प्लेटफॉर्म्स पर और देख रहे हैं आप ऊपर, यहाँ भी वॉच लगा है और एंटवर्पन करके लिखा हुआ है, वो भी कितना सुंदर दिख रहा है। और इस तरफ है बोर्ड जिसमें आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से ट्रेन आ रही है। तो अभी एम्स्टरडैम से आ रही है, पेरिस से आ रही है, ब्रुसेल्स से आ रही है, और जो वो थाइलस आ रही है विच इज़ अ हाई स्पीड ट्रेन।
तो वो आएगी ट्वे यहाँ पर 21, इनफैक्ट 22, 23, तो 21 से ज़्यादा यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं, मुझे लगा 21 है. और देखते हैं कि आखिर ट्रेन से स्टेशन पे खड़ी कैसे है. लेट्स गो देयर. स्टेशन देख रहे हैं आप मेरे पीछे, है ना सुंदर. वैसे स्टेशन के आसपास बहुत सारे शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं. इस तरफ है सारे रेस्टोरेंट्स और भीड़ देख रहे हैं आप. कोविड ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, इतनी भीड़ है इन रेस्टोरेंट्स में. और डे सनी है आज. वैसे इस तरफ क्या है, इस तरफ है शॉप्स जो कि इंडिया से रिलेटेड है. इंडिया से कैसे रिलेटेड है उधर चल के बताती हूँ. एंटवर्प फेमस है अपने डायमंड्स के लिए और यहाँ पर आपको बहुत सारे डायमंड के शॉप दिख जाएंगे. इंडिया से क्या कनेक्शन है इन डायमंड्स का? तो यहाँ पे जो डायमंड बिजनेस रन होता है वो होता है गुजरात से, गुजराती फैमिलीज से. यहाँ पर अराउंड 400 फैमिलीज हैं फ्रॉम गुजरात, स्पेसिफिकली एक ही जगह से पालनपुर, और वो रन करती हैं एंटवर्प में डायमंड बिजनेस. लुक एट दीज डायमंड्स. और अगर आपको डायमंड का शौक है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, यहाँ पे प्राइस थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है. एंटवर्प में हमने आपको दिखाया सेंट्रल स्टेशन, डायमंड जिसके लिए एंटवर्प बहुत फेमस है. बट नेक्स्ट चीज़ क्या फेमस है बेल्जियम और स्पेसिफिकली एंटवर्प में, वो है चॉकलेट्स. यहाँ पर आपको बहुत सारे चॉकलेट के शॉप्स मिल जाएंगे, कुछ ब्रांडेड चॉकलेट के शॉप्स मिलेंगे और कुछ लोकल. तो ऐसे ही एक शॉप है जो यहाँ पर है, टेल रे. अंदर चलते हैं और उसे देखते हैं कि अंदर से चॉकलेट्स कौन कौन सी मिल रही है और कुछ चॉकलेट्स खरीदते भी हैं. तो चलते हैं पहले ये वाली चॉकलेट शॉप. चॉकलेट्स तो नहीं है, वी आर टेकिंग दीस बिस्किट्स. सी एंड प्राइस यहाँ पे लिखा 250 grams, 350 grams. महंगा है ये शॉप और बिस्किट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो बिस्किट्स ले रहे हैं. तो ले लिए चॉकलेट्स, नहीं लिए बिस्किट लिए. और बहुत एक्सपेंसिव शॉप है तो 250 grams दिखाया ही मैंने आपको, के लिए 22 euros ले रहे थे. और हम लोग का ना चॉकलेट्स और बिस्किट्स हम लोगों ने कम किया है, मतलब मीठा खाना कम किया है. बट अब इतना दिख रहा था ना कि अब रुका नहीं जा रहा है, तो मैं अभी टेस्ट करके बताती हूँ कि आखिर कैसा है. फर्स्ट लेट्स सी इट, इट लुक्स लाइक दिस. इंडिया में तो कितने सस्ते से मिल जाएंगे ना ये. एक्चुअली इट्स नाइस. बेल्जियम अपने चॉकलेट्स के लिए और कुकीज़ के लिए तो फेमस है ही, बट एक और चीज़ के लिए फेमस है और वो है वैफल्स. लाइन दिख रहे हैं आप वैफल के लिए, कितना बड़ा लाइन ऑलरेडी लगा हुआ है. सो इट्स अ लॉन्ग क्यू. और वैफल खाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी. अभी जाते हैं लेकिन आगे और फिर वापस आके फिर देखेंगे कि हमें वैफल खाना है कि नहीं, क्योंकि स्वीट कम खाना है ऐसा हम लोगों ने सोचा. और तब से यहाँ है, तब से चॉकलेट कुकीज़ देख के पहले कुकीज़ खरीद ली, अब वैफल देख के मन कर रहा है वैफल खा ले. तो अभी अवॉइड करते हैं बट आगे चलते हैं, और अगर नहीं कर पाए तो वापस आएंगे, इस क्यू में खड़े होंगे और खाएंगे वैफल्स. अगर आप आए तो ज़रूर वैफल खाएं. चलते हैं आगे. वैफल की ये शॉप क्रॉस करते वक्त बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है चॉकलेट की, मन कर रहा है खा लेता हूँ एक. यार अभी अवॉइड करते हैं, अगर नहीं खा पाए, अगर नहीं कर पाए ना अवॉइड, तो वापस आएंगे और खा लेंगे. बस थोड़ा सा जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं ताकि वापस का नहीं आए. एक चॉकलेट शॉप तो अभी आपको दिखाया ही, ये एक और लियोनिदास, और ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस ब्रांड है इसका. एक्चुअली आपको नेदरलैंड्स में भी मिल जाएगा शॉप. तो
तो अगर आप आए बेल्जियम या नेदरलैंड्स तो इस शॉप से आप चॉकलेट्स खरीद सकते हैं और इंडिया ले जा सकते हैं. इसका चॉकलेट्स भी बहुत अच्छा होता है. आपको बहुत सारे टाइप के चॉकलेट शॉप्स दिखा दिए हैं. आप जो दिखाने वाले हैं वो भी एक बहुत ही यूनिक है और उसका नाम है द चॉकलेट लाइन. वैसे इसके अंदर ना बहुत भीड़ दिख रही है, बट यहाँ पे यूनिक ये है कि यहाँ पे चॉकलेट्स तो मिलती है और बेचते हैं, बट यहाँ पे चॉकलेट से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी बनते हैं. तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि डिफरेंट शेप्स का मतलब क्या है. लेट्स गो. आपने सुना है स्टोरी फ्रॉग को किस करने वाला. हियर इज द फ्रॉग. अगर फ्रॉग चॉकलेट का हो तो किस करेंगे क्या आप. दिस इज कम्प्लीटली मेड ऑफ चॉकलेट. और उधर डू यू सी दे आर मेकिंग ऑल डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ चॉकलेट्स. अब हम लोग जा रहे हैं ग्रोथ मार्केट की तरफ, मतलब ग्रेट मार्केट. और इस पूरी लेन में आपको मिलेंगे शॉप्स ही शॉप्स, सारे ब्रांड्स के, फ्रॉम अरमानी टू गैस टू वॉट एवर यू वॉन्ट. शॉपिंग करना हो तो बेस्ट लोकेशन इज दिस लेन. हम लोग वॉक कर रहे हैं और इतने सारे ऐसे छोटे छोटे से क्यूट से स्क्वायर आ रहे हैं. वैसे आज भीड़ बहुत है, डे ही इतना सुंदर है और हर स्क्वायर पे आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी. और एक शॉप तो ज़रूर दिखेगी, वो है चॉकलेट्स की शॉप. तो इस स्क्वायर पे भी चॉकलेट का शॉप है. और दूसरा क्या मिलेगा, वैफल्स का शॉप. तो यहाँ है वैफल्स, हाउस ऑफ वैफल्स. और ऊपर देख रहे हैं घर, कितने पतले पतले से ऐसे नैरो से सारे घर है एक दूसरे से चिपके हुए. तो ये है एक छोटा सा स्क्वायर जिसमें इतने सारे चीज़ें हैं. और इस तरफ है कैथीड्रल, लंबा सा जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है. तो इतनी सारी चीज़ें हैं इस छोटे से स्क्वायर पे ही, चॉकलेट्स का शॉप, वैफल्स का शॉप, घर और कैथीड्रल. क्यूट सा स्क्वायर है बट बहुत ही क्राउडेड है, दिख ही रहा होगा आपको. अब आगे चलते हैं और एरिया को एक्सप्लोर करते हैं. आ गए हम लोग ग्रोते मार और ये एक स्क्वायर है. और यहाँ भी होती है हॉर्स राइडिंग. हाँ, तो ये एक स्क्वायर है जहाँ पे है ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स. मेरे पीछे देख रहे हैं जहाँ पे अब ये हॉर्स कैरियर जा रहा है वो है यहाँ का टाउन हॉल. और देख रहे हैं ऊपर कि गोल्डन कलर का ईगल. आई एम नॉट श्योर वो दिख कितना रहा है क्योंकि सन जस्ट उसके ऑपोजिट है, बट गोल्डन कलर का ईगल है. वैसे सिर्फ वही नहीं है ऐसे गोल्डन कलर का स्टैचू, यहाँ पे जितनी सारी बिल्डिंग है वो सब सुंदर है और सब के ऊपर गोल्डन स्टैचूज है. इतने सारे हम लोग ऐसे स्क्वायर्स देख चुके हैं. यूरोप की हर सिटी में ऐसे एक स्क्वायर होता है जिसमें सुंदर सी बिल्डिंग्स होती हैं, आसपास रेस्टोरेंट्स होते हैं, सभी स्क्वायर्स बहुत अच्छे होते हैं. ये वैसे फाउंटेन है और अभी चल नहीं रहा है. हम लोग एंटवर्प ना इतनी बार आ चुके हैं और ये हमारा शायद 6th-7th टाइम होगा जब हम एंटवर्प आए, बट हम इस स्क्वायर पे कभी नहीं आ पाए. तो हर बार कोई भी जगह हम जाते हैं ना, हम कुछ ना कुछ नया हमको मिल ही जाता है. तो ऐसे ही कोई भी सिटी ना कभी बोरिंग नहीं होती है, इसलिए हम लोग एक ही सिटी को कितनी बार अलग तरीके से घूम सकते हैं. आपको भी अच्छा लगता है क्या ऐसे एक ही सिटी को अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करना. बट ये है ग्रोथ मार्केट, एंजॉय इट्स ब्यूटी.
मेरे पीछे जो स्टैचू देख रहे हैं वो है सिल्वियस ब्रावो का, और कहा जाता है कि इन्होंने ही ये एंटवर्प सिटी बसाया है 16th सेंचुरी में, और जो वो हैंड है ना उसका भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, और वो है एंटवर्प के नाम से। तो आपको वो स्टैचू दिखाया ना और वो हैंड दिखाया तो एक्चुअली में उसका सिग्निफिकेंस क्या है? एंटवर्प जो कि इंग्लिश नेम है इस सिटी का, यहाँ के लोग बोलते हैं एंटवर्पन फ्लेमिश में, और एंटवर्पन को अगर ब्रेक करेंगे तो होता है वर्पन और एंट। तो वर्पन का मतलब होता है टू थ्रो, और एंट का मतलब होता है एक्चुअली में कुछ नहीं, हैंड थ्रो। जो स्टैचू दिखाया था उनके हाथ में था हैंड, तो वो हैंड इवेंचुअली बोलते बोलते एंट हो गया, तो इसलिए हो गया एंटवर्पन। और वो हैंड एक्चुअली था एक किसी जायंट का जो कि यहाँ पे बहुत ही तबाही मचाया था, तो सिल्वियस ब्रावो ने खड़े होके उसका अगेंस्ट आवाज़ उठाया और एज अ सिग्निफिकेंस उसका हाथ को काट दिया और थ्रो कर दिया यहाँ पे रिवर में, इसलिए हैंड को थ्रो किया इसलिए हो गया एंटवर्पन। तो हम लोग घूम रहे थे एंटवर्प एंड देन आई मेट सो मेनी इंडियंस, देसी कपल ऑन द गो, एंड सब लोग यहाँ एंटवर्प घूमने आए फ्रॉम बेल्जियम ओनली, ब्रुसेल्स से। थैंक यू गाइस फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय बाय। आज एंटवर्प सिटी घूमते घूमते हमको बहुत सारे इंडियन मिले और बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए, सब ने आके हमसे बातचीत की, सो वी फील सो हैप्पी जब आप लोग आते हैं और हमसे मिलते हैं किसी भी सिटी में। हाँ, मतलब पहले एक कपल मिला, फिर एक और मिला जिसकी वाइफ अंदर थी, तो वो तो अपना लंच कर रहे थे तो भी वो हमारे पास है, और फिर ये यहाँ पे इतना बड़ा ग्रुप मिला। सबको तो वीडियो में नहीं ले पाए क्योंकि जल्दी जल्दी में भूल ही जाते हैं, बट पिक्चर सबके साथ खिंचाया है और सबके पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे भी डाले हैं, बट वीडियो में फिर ध्यान से जो है इस ग्रुप को हम लोगों ने वीडियो में लिया। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग हमसे आके मिलते हैं, फिनलैंड में मिले थे या एंटवर्प में भी, कहाँ भी घूमते हैं, वी आर सो हैप्पी एंड थैंक्स एवरीवन जो हमको आज एंटवर्प में मिला। हैप्पी। हर सिटी में, हर यूरोपियन सिटी में फ्री टूर्स होते हैं, तो आप अगर सिटी को और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहें ना तो ये फ्री टूर्स ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। फ्री टूर में आपको कुछ पैसे नहीं देने पड़ते, टिप देना पड़ता है। वैसे ही एंटवर्प का अगर फ्री टूर करना हो तो ये ग्रोथ मार्केट स्क्वायर से शुरू होता है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, अभी शुरू होने वाला है 5:00 पे। हमें लेकिन वापस नेदरलैंड्स जाना है और लंच भी नहीं किया है, तो अब डायरेक्ट डिनर करेंगे, तो चलते हैं और कुछ रेस्टोरेंट को देखते हैं कौन से रेस्टोरेंट में जाकर कुछ अच्छा अच्छा खाना खाया जाए और डिनर किया जाए। बट अगर आपको कोई यूरोपियन सिटी एक्सप्लोर करनी है ना, तो ये जो फ्री टूर्स होते हैं दैट्स अ रियली गुड तरीका जिससे आप एक्सप्लोर कर सकें। लेट्स गो और फाइंड आउट कुछ रेस्टोरेंट जहाँ खाना खा सके, क्योंकि अभी सोच रहे हैं इंडियन खाएं, इटालियन खाएं, इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं इस लेन में, यहीं पे खा लें क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलो, वहाँ पे तो बहुत भीड़ था तो वहाँ तो नहीं बैठ रहे हैं। फिर सोचा कि कौन सा क्यूजीन खाएं, मैक्सिकन ट्राई कर रहे थे बट वहाँ भी पहले से ही रिजर्वेशन करना था, हमने नहीं आज कराया, फिर हमको मैक्सिकन रेस्टोरेंट नहीं मिला। तो अभी जा रहे हैं हम हमारे पुराने प्लेस जहाँ हम लोग कई बार जा चुके हैं, बट अब होपफुली वहाँ जगह मिल जाए, पास में ही है, तो हमने सोचा कॉल करने से बेटर है जाके चल के ही देख लेते हैं, सेंट्रल स्टेशन के पास ही है। और ये जो प्लेस है ये बहुत पहले स्पेशल था, क्योंकि जब हम लोग यहाँ आए थे 10-11 साल पहले, तो ऐसा था कि एक ही ये सिर्फ प्योर वेज रेस्टोरेंट है पूरा इस रीजन में, तो नेदरलैंड से काफ़ी लोग आते थे, अब तो बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं। खैर, बट लेट्स सी क्या वहाँ जगह मिलेगी और खाना कैसा है, वो सब तो देख ही लेंगे, दिखाई देंगे, बट चलते हैं उस प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में। तो रेस्टोरेंट का नाम है आहार, लेट्स गो इन। पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट के अंदर और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। वैसे यहाँ पे हम लोग हमेशा जब आते थे ना तो ऑर्डर करते थे ये थाली जो कि 10 यूरोज की थी, बट इस बार हम लोगों ने ना बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर करी, और क्यों ऑर्डर किया है वो देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारी वेजिटेरियन चीज़ें वेटिंग और भूख भी बहुत लग रही है। तो आ गया है हमारा नींबू पानी और छाछ। चीयर्स। तो पहला स्टार्टर है हमारा सेव पूरी। Thank you.
हमारा सेव पूड़ी खत्म ही नहीं हुआ था, उससे पहले आ गया हमारा एक और स्टार्टर विच इज मटर कचौड़ी एंड ग्रीन चटनी. और ये मैंने बताया ना, ये ऐसा वैसा कचौड़ी नहीं, मटर का कचौड़ी और बहुत गर्म है. इसको नीचे जाना है, एक टाइम छोड़ो, देखेंगे कहाँ जाएगा. धुआं निकल रहा है, गरम गरम कचौड़ी. Awesome. हमारा मेन कोर्स भी आ गया है और वो है मेरा. दिस इज पालक पनीर विथ पराठा एंड सौरभ का है डोसा विथ चटनी एंड सांबर. बॉन अपेटिट, सो हैप्पी. सो डन विथ आवर डिनर. पूरा पेट भर गया है. एक कचौड़ी एक्चुअली में बच गई है क्योंकि वो खाते नहीं बन रही अब. और थोड़ा सा पालक पनीर भी बच गया है. बाकी डोसा इज़ ऑल फिनिश, पराठा इज़ ऑल फिनिश, सेव पूड़ी इज़ ऑल फिनिश. हैप्पीएस. और टोटल बिल आएगा, अभी तक आया नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली 25 यूरोस का आना चाहिए. अब चलते हैं बाहर. एंटवर्प सिटी. ये जैकेट देख रहे हैं आप. एक्चुअली में मेरा हिडन एजेंडा तो यही था कि जिस शॉप से मैंने 7 साल पहले ये जैकेट खरीदी थी, 7 साल पहले हाँ मैं एंटवर्प आई थी तब मैंने ये जैकेट खरीदा था, उसी शॉप से और जैकेट खरीद सके. तो मैंने और जैकेट्स खरीदे हैं. और ये जैकेट कैसे दिखते हैं वो आपको अगर देखना है तो आपको हमारा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा जिसका नाम मैंने लिख दिया है, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर किसी न किसी वीडियो में ज़रूर आ जाएगा. बट आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में. और आपको इस वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा. सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल सेंट्रल स्टेशन. बाय. पहुंच गए हम लोग घर. और कितना हुआ है बैटरी अब अगर देखें तो 22% बैटरी अभी भी बचा है. मतलब अभी भी हम 106 किलोमीटर्स जा सकते हैं. क्योंकि ठंड लग रहा था तो सीट हीटिंग ऑन की थी इसलिए और बैटरी लूज़ हो गया, नहीं तो शायद इससे भी कम होता. बट 22% बैटरी स्टिल लेफ्ट एंड वी आर एट होप.